नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा और आल्ले में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम तरबूज तो खा लेते हैं, उसके छिलके को हम फेंक देते हैं। आज हम छिलके फेंकेंगे नहीं, उससे हम कोफ्ते की सब्जी बनाएंगे। अगर आपको सब्जी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्यार बांटिए। दोस्तों, आज हम बनाएंगे तरबूज के छिलके की कोफ्ते की सब्जी। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। तो मैं इसको छील के फिर आपको दिखाती हूँ। इसको कसने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बहुत आराम से कसा जाता है और आराम से ही ये गुद्दा अलग हो जाता है एकदम। ये देखो, अपने आप ही आराम से कसने से ये अलग हो जाते हैं। ये देखो, मैंने सारे कस लिए हैं और ये हमारा हमें गुद्दा मिल गया, जो इसका पल्प है वो हमें मिल गया। जितना हमें कोफ्ते बनाने हो उतने हम छिलकों को कस लेंगे। तो इसको फिर क्या करेंगे, हम निचोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत पानी होता है इसलिए। ये देखो, ये हमारा पल्प आ गया तरबूज का। तब इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 टीस्पून हम नमक डालेंगे इसमें और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी। हींग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैंने 1/4 टीस्पून ली है। अगर आपकी हींग स्ट्रॉन्ग हो तो आप कम लेना। 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये 1/2 टीस्पून खड़ा धनिया है, इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा कर लिया, ये भी डाल देते हैं। इस सबको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। तो 1 कप के करीब बेसन लिया, इसमें नाप की कोई ज़रूरत नहीं है आपको बेसन की, बस आप इसमें मिला के देखना। ये थोड़ा सा बेसन हो रहा है, ये सारा डाल देती हूँ। ये देखिए ये ऐसा हो गया है। तो इसका पानी आप अच्छे से निचोड़ना, देखो ये खुद ही इतना पतला हो गया है। और पतले से क्या है, ये इसमें कोई आपको बेकिंग पाउडर या सोडा डालने की जरूरत नहीं है। ये देखना, खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे, इतना पतला रखोगे ना आप तो ये खुद ही सॉफ्ट बनेंगे। चलो अब हम बनाते हैं। दोस्तों, जब हम कोफ्ते बनाएंगे तो कोफ्ते का जो बैटर है ना, थोड़ा पतला ही रखेंगे, तो उससे क्या हमारे सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे। तो उसमें हमें सोडा डालने की ज़रूरत है ना बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत है। और दूसरा, ये जो मैंने आपको दिखाया बेसन, हमारे जब हमने कोफ्ते बना लिए तो बेसन लग रहा था बर्तन में, उसको हम सब्जी में डालेंगे ना घोल के, तो उससे क्या सब्जी हमारी गाढ़ी होगी, इससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी होगी। और तीसरा ये है दोस्तों कि मैंने जो पानी डाला है, जो मैंने तरबूज का पल्प निचोड़ के जो पानी बचा था वो पानी डाला, वो पानी मीठा रहता है, पर उसको मीठा पानी डालने से भी टमाटर डाले हैं तो हमारा बिल्कुल बैलेंस सही बैठता है। अच्छी खट्टी भी खट्टी सब्जी, मीठा नहीं होगी ये, खट्टी ही सब्जी रहेगी आपकी। तो ये मैंने आपको बताया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये देखिए, डो बनाने के बाद मैंने हाथ धो लिए थे, हाथ धोने के बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे बना के, तेल मैंने एक बार गरम कर लिया था, फिर उसको हल्का सा निवाया करके दोबारा गैस जलाई है, तो हम सिम गैस पर इसको बनाएंगे। ज़्यादा गरम तेल पर नहीं बनाएंगे, तो वरना अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे।
अब धीरे धीरे हम इनको चलाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अच्छा, जो ये बर्तन में थोड़ा बहुत बेसन लग रहा है, हाथ में लग रहा है ना, इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको फेंकेंगे नहीं, इसको हम इसकी ग्रेवी में डाल लेंगे पानी को। ये देखिए मेरे कोफ्ते तैयार हो गए। अब इसके मसाले में मैंने एक प्याज लिया है, 3 टमाटर लिए हैं, लहसुन लिया है, ये मोटी मोटी कली है, 4-5 के करीब होंगी ये सारी मिला के। वैसे तो 3-2 ही हैं, ये मोटी मोटी हैं, तो 1 कली 2 के बराबर समझ लो, और 2 हरी मिर्च। जाल लेंगे और ये सब हम डालकर पीस लेंगे। ये देखो ये हमारा मसाला पिस गया है। 1 चम्मच के करीब हम इसमें तेल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच, 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा डालेंगे, और जो हमने ये मसाला पीसा था ये मसाला डाल देंगे। आधा चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको हम भून लेंगे, थोड़ी देर हम इस पेस्ट को भून लेंगे ढककर, वरना इधर उधर बहुत चीटे पड़ते हैं। बीच बीच में हम मसाले को चलाते रहेंगे। अब हम इसमें 1/4 स्पून हम हल्दी डालेंगे, 1/2 स्पून हम लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 स्पून धनिया डालेंगे, 1/2 स्पून से थोड़ा सा कम है नमक डालेंगे, इसको भी भून लेंगे। और जो हमने ये पानी लिया था ना बेसन का, जो मैं बताई थी पानी, वो भी इसमें डाल देंगे। ये भी भून जाएगा बेसन हमारा। ये देखिए मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो मसाला भी हमारा भुन गया है। अब हम इसमें जो हमारा पल्प का जो पानी निकला था तरबूज के छिलके से, जो मैंने निचोड़ा था कस के, वो पानी भी हम इसी में ही डाल देंगे। और थोड़ा पानी और डाल देंगे। आप अपने हिसाब से, जैसे आपको ग्रेवी गाढ़ी रखनी है या पतली रखनी है, उस हिसाब से आप इसमें पानी डालना। कोफ्ते भी पानी पीते हैं। अब मैं इसमें अपने कोफ्ते भी डाल देती हूँ। और मैं इनको ढक देती हूँ, ढक के पका। ये देखिए सब्जी हमारी तैयार है। इसमें 1/2 टीस्पून में गरम मसाला डाल देती हूँ और हरा धनिया डाल देती हूँ। इस सब को भी हम मिक्स कर देंगे और इसको ढक दूंगी, गैस बंद कर दूंगी। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी कोफ्ते की सब्जी बनी है।
इसको अब सर्व कर लेते हैं। बहुत अच्छी बनी है, इसको आप चावल से खाइए, रोटी से खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। ऊपर से इसमें हरा धनिया लगा देंगे। ये देखिए तरबूज के छिलके की सब्जी हमारी तैयार है।